मेरा नाम गोपाल बाबू है और मैं आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और जब से इस कोर्स को मैंने समझा है, जब से मैंने इस कोर्स की वर्कशॉप की है, तब से मैंने अपने में काफ़ी परिवर्तन पाया है, जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस कोर्स को करने से पहले मुझे हमेशा छोटी छोटी बात पर इरिटेशन होता रहता था, जिसको लेकर मैं कॉलेज भी कैरी करता था, ऑर्गेनाइजेशन में, समाज में, परिवार में कैरी करके रहता था, जिससे हर जगह मुझे कॉन्ट्राडिक्शन ही दिखता था। तब सारा ध्यान इस पर था कि शायद गलती दूसरे की है, मैं तो हमेशा ही सही हूँ। लेकिन जब इस कोर्स को देखा है, जो कि अपने आप में कम्प्लीट है, एक कम्प्लीट बात कही जा रही है इस कोर्स में, इसको देखने के बाद सोच में काफ़ी परिवर्तन आया, सोच में एक पॉजिटिविटी आई है। पहले मुझे जो ये दिखता था कि इस सीन का दूसरा जिम्मेदार है, अब मुझे दिखता है कि इस सीन का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ। पहले ये भाग नहीं दिख पाता था, ऐसा लगता था कि दूसरा ही गलत है। तो धीरे धीरे ये कोर्स करने के बाद सोचने की दिशा ही बदली है। और पहले जब हम जॉब करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो ऐसा लगता था कि ये मैं जॉब कर रहा हूँ, सुबह से शाम क्लास लिया, सैलरी मिल रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन अब एक अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को सही दिशा देना मेरी जिम्मेदारी है। पहले लगता था सिर्फ क्लास लेना मेरी जिम्मेदारी है, जिस कोर्स के लिए फीस मिल रही है उस कोर्स को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये भी दिखता है कि इन बच्चों के साथ हम जुड़े हुए हैं, इनको सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये दिशा देने के लिए सेल्फ मोटिवेशन है। पहले देखते थे कि मैनेजमेंट को बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, सैलरी का लालच देना पड़ रहा है, लेकिन अब ये सेल्फ मोटिवेटेड है, जिससे कि हम अपने फुल पोटेंशियल से इस तरफ लग पाते हैं। और बच्चों के साथ काम करने पर हमने ये पाया भी है कि कई बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी नोटोरियस थे, जिनसे काफ़ी लोग डरते भी थे, लेकिन उन्होंने जब इस कोर्स को समझाया तो उनमें भी एक अजीब परिवर्तन पाया, जिसको कॉलेज के सभी लोग एडमिट करते हैं। और आज वो बच्चे जो पहले बहुत नोटोरियस थे, आज वो सबसे जिम्मेदार बच्चे हैं। उनका परसेंटेज, उनका पढ़ाई के प्रति कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। तो उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया है समझने को। और अगर मैं परिवार की बात करूँ तो पहले बहुत छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आता था, जो कि अब पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया है। अब मुझे गुस्सा ना के बराबर ही आता है, या कभी आता ही नहीं, उसको मैं बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी टीचर्स के साथ ये कोर्स किया हुआ है, हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम भी किया हुआ है, वैल्यू एजुकेशन सेल भी बनाया है यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस से। तो इसमें देखने को ये आया है कि जो भी टीचर्स इस कोर्स को समझ पा रहे हैं या समझने के लिए प्रयासरत हैं, उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। उनके घर में भी, उनके कॉलेज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया है। तो और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी कास्ट, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कोर्स टोटली सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर बेस्ड है, अपने को ही एक्सप्लोर करना है। और जैसे जैसे इस कोर्स को हम समझते जाते हैं, जैसे जैसे हम इसके लेवल क्रॉस करते जाते हैं, सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, वैसे वैसे हर सभी के प्रति एक जिम्मेदारी की फीलिंग आती है। और आज मैं ये सोसाइटी में भी लेक्चर्स लेता हूँ इसके, और कॉलेज में भी अलग से कॉलेज टाइमिंग के बाद बच्चों के साथ काम करता हूँ, और कॉलेज में तो लेक्चर लेते समय करता ही हूँ। और आज मैं कंप्यूटर साइंस के भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो वो भी मुझे एक जिम्मेदारी लगती है। पहले मुझे ये लगता था कि सैलरी मिल रही है उतना ही पढ़ाना है बस, लेकिन अब एक जिम्मेदारी का भाव आता है, क्योंकि अब हम पूरे सभी को हम अपने परिवार जैसा ही फील कर पाते हैं। तो इसको समझने के बाद मेरे व्यवहार में, मेरे कार्य में, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन दिखाई देता है। परिवार के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है, तो बच्चे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और अन्य टीचर जो इसमें लगे हुए हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा मैं PhD करने जा रहा हूँ, और PhD में मैं वैल्यू एजुकेशन नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए सही दिशा प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरा मन बना है कि मैं इसी सब्जेक्ट से ही PhD करूँगा, और समाज को और बच्चों को एक नई दिशा दूँगा। थैंक यू।